हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की बेटियां अब बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं है, जहां महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम छिड़ी हुई है, वहीं महिलाएं भी खुद के हक और सम्मान के लिए बुलंदी से अपना आवाज उठा रही है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे बिहार की बेटी आयशा शर्मा के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते में नजर आई। आयशा शर्मा ने अपनी कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। आयशा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ और काफी कम उम्र में ही वो दिल्ली चली गई, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की ओर रुख किया, वहां उन्हें लैक्मे सहित कई अन्य ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद आयशा किंगफिशर के कैलेंडर गर्ल भी बनी और आयुष्मान खुराना के साथ आए वीडियो एल्बम इकवारी आ में भी नजर आई। आयशा के पिता अजीत शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ भागलपुर से कांग्रेस के विधायक भी हैं, और यही नहीं, आयशा की बड़ी बहन नेहा शर्मा, जो कि खुद एक बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा है। नेहा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया है, जिसमें तुम बिन, मुबारका, जयंता भाई की लव स्टोरी जैसे कई फिल्में शामिल हैं। आयशा शर्मा को हम बिहारी न्यूज की टीम की तरफ से ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.न्यूज़ को विजिट करें। शुक्रिया।